हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से मैं पिंटरेस्ट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है पिंटरेस्ट ट्रैफिक सीक्रेट्स। ओके, ये कोर्स जो है वो पूरा हिंदी ट्यूटोरियल होगा और इसमें आप पिंटरेस्ट का ए टू जेड, जितना पिंटरेस्ट का अकाउंट सेटअप करने से लेकर के रिच पिन एक्टिवेट करना, SEO करना, पिन बनाना और फिर ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे किस तरह से लेके आना है, वो सारा मैं इस वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद से जितनी ये वीडियो आने वाली है वो पिंटरेस्ट पे ही आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये पूरा सीरीज़ ध्यान से देखना, और इसको सारे वीडियो को एक्सेस करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। वहाँ पे पिंटरेस्ट का सेम कोर्स का जो नाम है उसी नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे तो आपको पिंटरेस्ट की सारी वीडियोस जो है वहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या क्या पिंटरेस्ट में है और पिंटरेस्ट को किस तरह से अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए यूज करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पिंटरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पिंटरेस्ट जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह है, लेकिन वो सर्च इंजन की तरह काम करता है। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप, जैसे कि हर एक सोशल मीडिया का अपना थीम होता है, जैसे YouTube है तो उसका वीडियो अपलोड करने का थीम है, Instagram है तो फोटो अपलोड करने का थीम है। ठीक है, तो Pinterest का जो थीम है वो नोटिस बोर्ड वाला थीम है। ठीक है, जैसे कि आप कॉलेज या स्कूल टाइम में होगे तो आपके कॉलेज या स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, जो होता है जहाँ पर कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होती है वहाँ पर चिपका दी जाती है। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो वहाँ पर जा करके नोटिस देखता है और बाकी आगे का प्रोसेस फॉलो करता है। तो पिंटरेस्ट भी ठीक वही काम करता है। तो और पिंटरेस्ट यूज़ करने का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि पिंटरेस्ट से आपको सिर्फ वही ट्रैफिक आएंगी जो कि आपके ब्लॉग में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, क्योंकि पिंटरेस्ट पे फालतू या फिर कोई भी ऐसे पिंटरेस्ट यूज़ नहीं करता। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और पिंटरेस्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो अगर आप जस्ट एनालाइज करो बाकी सोशल मीडिया से, जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं जो कि पिंटरेस्ट इस समय यूज़ कर रहे हैं, मुश्किल से एक दो लोग मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि पिंटरेस्ट को वही लोग यूज़ करते हैं जो कि ब्लॉग में या किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए आपको जो है पिंटरेस्ट को यूज़ करना है। जब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो ट्रैफिक लाना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर हम कंटेंट लिखते जाते हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं आता है, क्योंकि हम SEO भी करते हैं लेकिन SEO का क्या है कि इफ़ेक्ट जो होता है वो काफ़ी टाइम के बाद आता है, और जो वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो 10 साल 15 साल पहले बनी हुई है या फिर जिनका 2 साल 3 साल पुराना वेबसाइट है, और आज के समय में आप अगर वो अपना वेबसाइट अभी जस्ट लॉन्च करते हो तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक होगी ही नहीं, क्योंकि अथॉरिटी फैक्टर वहाँ आ जाता है। जो पुरानी वेबसाइट होती हैं उनकी अथॉरिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिससे कि उसकी उसके कंटेंट को गूगल जो है वैल्यू देता है। तो SEO से भी आपका ट्रैफिक लाना तो स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए आपको बैकलिंक्स बनाना पड़ेगा, PVN साइट्स पे लिंक बनाना पड़ेगा। तो आखिर न्यू ब्लॉगर्स ऐसा क्या करें कि उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक आए? तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप पिंटरेस्ट यूज़ करो। पिंटरेस्ट जो है उससे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हो, और पिंटरेस्ट का आप यूज़ जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक और जो भी इंटरेस्टेड ट्रैफिक है उसको लाने में आप कर सकते हो। चाहे आपका न्यू ब्लॉग हो ओल्ड ब्लॉग हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है पिंटरेस्ट को। ठीक है, बस वहाँ पर आपको पिंस को अपलोड करना है और फिर उससे आपका जो ट्रैफिक जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पिंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें। पिंटरेस्ट पे जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो 300 मिलियन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना पोटेंशियल है। और पिंटरेस्ट पे जैसा कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ, तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें SEO करना है, फॉलोअर्स लाना है, तब जा कर के आप ग्रो होगे। लेकिन पिंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। पिंटरेस्ट में आपके फॉलोअर अगर जीरो भी हों तो आपका पिन जो है वो वायरल हो सकता है, पिन पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकता है। ठीक है, तो पिंटरेस्ट में इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पिंटरेस्ट पे पहले दिन से ही ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। जिस तरह से आप हर एक सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाते हो, पिंटरेस्ट पे भी उसी तरह से प्रोफाइल बनाना होता है। बाकी आपका जो पिंटरेस्ट प्रोफाइल होता है उसमें आपको अपना वेबसाइट जो है वेरीफाई करवाना होता है, ताकि पिंटरेस्ट आप डायरेक्ट अपने वेबसाइट से अपने पिंस को
पिंट्रेस्ट पे अपलोड कर सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से प्रोफाइल को क्रिएट करना है। और पिंट्रेस्ट में जो आप वेबसाइट के लिए जो आप प्रोफाइल यूज़ करोगे वो बिजनेस प्रोफाइल यूज़ करोगे। बिजनेस प्रोफाइल ही सबसे बेस्ट होता है अपने अगर वेबसाइट के लिए आप अपना पिंट्रेस्ट प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। बाकी पर्सनल प्रोफाइल आप जैसे चाहो वैसे चला सकते हो, लेकिन बिजनेस प्रोफाइल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिजनेस प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अपने ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे pinterest.com सर्च कर लेना है। ठीक है, आपका पिंट्रेस्ट जो है वो कंट्री वाइज होता है, तो आपका जो पिंट्रेस्ट अगर आप इंडिया में हो तो आपका पिंट्रेस्ट के आगे इन लगा हुआ आएगा। बाकी अगर दूसरे कंट्रीज में के लोग होते हैं तो वहाँ पे इन या उन इन नहीं लगा होगा, बाकी pinterest.com या फिर aupinterest.com eupinterest.com इस तरह से लगा हुआ आता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आपका ये मेन पिंट्रेस्ट का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको ये लॉगिन और साइन अप, ठीक है, दो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आपने पहले से अकाउंट आपका है तब तो आपको लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है। ये साइन अप पे क्लिक करोगे आपके पास ये जो पॉपअप आएगा इसमें आपको यहाँ पे ईमेल क्रिएट पासवर्ड एज डाल के कंटिन्यू करना है। आप चाहो तो गूगल से और फेसबुक से भी कर सकते हो, फिलहाल मैं ईमेल के थ्रू साइन अप करता हूँ। तो आप जैसे ही ईमेल डाल करके साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे जाना है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे जैसे कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे मेल कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे इंग्लिश और ये लैंग्वेज पूछेगा और कंट्री पूछेगा। तो आप अगर इंडिया से हो तो यू इंग्लिश एंड इन कंट्री में आपको इंडिया डाल देना है, बाकी अदर कंट्रीज वालों के लिए अदर लैंग्वेज अदर कंट्री का नाम। ठीक है, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज चूज करनी है, मैक्सिमम आपको 5 कैटेगरी चूज करनी होती है, 5 से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आपका जो भी कैटेगरी है अगर उसमें से है तो आप चूज कर लो, अदरवाइज आप कोई भी 5 कैटेगरी यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। कैटेगरी चूज करने से एक्चुअली क्या होता है ना कि जो कैटेगरी आप चूज करोगे ना उसी कैटेगरी की जो पिंस हैं वो आपके होम फीड में शो करेंगी। बाद में आप जिस तरह से अपना पिंस अपलोड करोगे उस तरह से ये जो है कीवर्ड, जो भी आपका कीवर्ड होगा उसके हिसाब से फिर वो पिंस जो है शो करना शुरू कर देगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप कोई भी जो है वो चूज कर लो। मैंने 5 चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डन कर दिया। अब ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका अब जो भी ये पिंस दिखा रहा है, जो भी आपने कैटेगरी चूज की है उसमें से ये सारे पिंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। इससे आपको कोई मतलब नहीं है ये क्या है क्या नहीं, उससे आपको कुछ नहीं करना है। पिंट्रेस्ट को आप मोबाइल से भी चला सकते हो, इसका ऐप भी आता है, तो आप अगर आपका आप चाहे तो आप मोबाइल से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि ये जो आपका अकाउंट है वो अब ये जो अकाउंट है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट नहीं है। तो आपको अब क्या करना है कि इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। बिजनेस अकाउंट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपका जो ये कॉर्नर में ये जो प्रोफाइल पिक शो कर रहा होगा आपका, तो यहाँ पे आपको आना है और ऐड अ फ्री बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट बिल्कुल फ्री में यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको ऐड अ फ्री बिजनेस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या होगा कि आपका फ्री बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रोसेस आगे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। क्योंकि ब्लॉग के लिए आपको हमेशा बिजनेस अकाउंट ही यूज़ करना है, इसीलिए आप अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट में ज़रूर कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पे आपको सिर्फ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो अब बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो तो आपके सामने इस तरह से कुछ प्रोफाइल आएगा, इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्रोफाइल अपना अपलोड कर देना है। इस पर क्लिक करके प्रोफाइल अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बिजनेस नेम देना है। बिजनेस नेम आपका वो नेम होगा जो कि आप या तो अपना नाम भी डाल सकते हो या फिर आपका जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी कोई बिजनेस अगर आपका है तो वो नेम जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी मैं आपको अभी दूसरे वीडियोस में
बताऊंगा कि इसमें SEO भी करना होता है और कौन कौन सा नाम डालना होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं जो बिज़नेस अकाउंट ओपन करना सिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पे डाल दो। उसके साथ साथ आपके वेबसाइट में जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका वेबसाइट मेक मनी ऑनलाइन पर है तो यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन डाल दो, पर्सनल फाइनेंस पे है तो पर्सनल फाइनेंस इसके बाद डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको डू यू हैव अ वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना है, नहीं है तो नॉट येट कर देना है। उसके बाद ये कंट्री और लैंग्वेज, ये दोनों आपके पास है ही, तो यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक आपको डालना है। तो आपका वेबसाइट का लिंक किस तरह से डालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ब्लॉगर पे है तो आप इस तरह से डालोगे, ब्लॉगर पे नहीं है तो सिर्फ www अगर है, अगर आपके वेबसाइट में www है तो आप पूरा www डालोगे, नहीं तो आप ऐसे ही डाल दोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना एक वेबसाइट है उसका मैं डाल देता हूँ लिंक। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, तो ये आपको सेलेक्ट कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ब्यूटी, फैशन, होम, ट्रेवल, फूड एंड ड्रिंक, हेल्थ एंड फिटनेस, जिस कैटेगरी में आपका वेबसाइट है वो कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेना है। अदरवाइज आप यहाँ पे अदर्स कर सकते हो, अदर्स में यहाँ पे आप अपना ब्रांड जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद गेट कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर डिटेल, यहाँ पे आपको आप ये इसमें से अगर आप कोई भी एक है आप हो तो वो डाल दो, अदरवाइज आप ब्लॉगर डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप ब्लॉगर हो और ब्लॉगिंग के लिए आप पिंटरेस्ट प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ब्लॉगर डाल देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट, अगर आप एड्स रन करना, तो वैसे इंडिया में अभी एड्स रन करने की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जब भी आगे आएगा तो आप जो है एड्स रन कर सकते हो। तो आप चाहो तो यस कर दो, आप चाहो तो नो कर दो, अब ये आपके ऊपर है, कोई इसमें जो वो नहीं है, ठीक है। आप यस भी कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट कर दो। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वेयर यू डू लाइक टू स्टार्ट यहाँ पे आया, तो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ दे रहा है, तो इस तीन चीज़ में आप कोई एक सेलेक्ट कर लो, या तो शोकेस योर ब्रांड यहाँ पे आप कर दो, ठीक है। तो अब ये सीधा आपके प्रोफाइल पे आ गया, तो शोकेस योर ब्रांड पे क्लिक करने के बाद आपका एडिट प्रोफाइल पे आ गया। अगर आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आकर के यहाँ ये जो है सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो भी आप यहीं पे पहुँचोगे एडिट प्रोफाइल पे, ठीक। तो एडिट प्रोफाइल पे आप आ जाओगे, ये आप देख सकते हो, ये आपका पर्सनल प्रोफाइल होगा और ये आपका जो होगा वो बिजनेस प्रोफाइल होगा, ठीक। बिजनेस प्रोफाइल में हमेशा यहाँ आपके नेम के नीचे या तो ईमेल होगा, आप जो भी ईमेल डालोगे वो आपका ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ एडिट प्रोफाइल पे आप आ गए। एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे फोटोज़, अपना फोटो अगर आपके पास है, लोगो है, फोटो है आपके बिजनेस का, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दो। उसके बाद डिस्प्ले नेम यहाँ पे कर देना है, डिस्प्ले नेम पे आप अपना नाम डालो या फिर अपने बिजनेस का नाम डालो, ये मैंने बता दिया। अगर उसके बाद आपका जो भी अगर बिजनेस है उसके बाद उसका जो भी कीवर्ड है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी मैं आगे और बताऊँगा इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप जैसे अपना नाम डाल दिया, उसके बाद आपका जो भी बिजनेस नेम है, ब्लॉगिंग टिप्स हो गया, हेल्थ में हो तो हेल्थ से रिलेटेड कोई कीवर्ड आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि आपका प्रोफाइल रैंक होता है, जो भी अगर कीवर्ड होता है तो नेम से आपका प्रोफाइल रैंक होता है। उसके बाद यूजर नेम यहाँ पे आपको डालना है, यूजर नेम अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखना है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखोगे उसमें भी आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करने हैं, तो मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको ये बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपके आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं और आप ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में लिखते हो, तो यहाँ पे आपको अपने डिस्क्रिप्शन आप जो लिखोगे यहाँ पे भी आपको कीवर्ड डालना है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा ये कीवर्ड डाला हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरा ये ब्लॉग है, इस पे मैं ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में लिखता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन के बारे में लिखता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के बारे में लिखता हूँ, सेविंग टिप्स के बारे में लिखता हूँ, तो ये सारा कीवर्ड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि इससे भी ये भी क्या करता है कि आपका जो, तो ये क्या करता है कि आपका जो प्रोफाइल होता है उसको
रैंक करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट यूआरएल डालना है। आपका जो वेबसाइट यूआरएल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, कंट्री कोड डालना चाहते हो डाल सकते हो, और फ़ोन नंबर डाल सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो सिर्फ आप वेबसाइट यूआरएल डाल करके आप रहने दोगे। ठीक, यहाँ पे किस तरह से आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ पे आप अपना वेबसाइट यूआरएल डालोगे ही डालोगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक वेबसाइट है इस तरह से सारी स्टेज का, तो मैंने इसका यहाँ पर लिंक डाल दिया। ठीक, तो इस तरह से आपको अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ज़रूर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके और सीधे आपको जा करके यहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे आप जा करके डन कर दोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, प्रोफाइल सेव। उसके बाद अब आपको अकाउंट सेटिंग में आना है। अकाउंट सेटिंग में भी आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि आपको फेसबुक और गूगल को से लॉगिन करना है, तो आप इन दोनों को ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आएगा फेसबुक से, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे वेरिफिकेशन जो होता है उसको आप एक्सेस कर दोगे, तो ये फेसबुक और गूगल से भी लॉगिन हो जाएगा। ताकि मान लो कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप फेसबुक और गूगल से आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजिंग के लिए है, डायरेक्ट मैसेजिंग आप ऑन कर सकते हो। उसके बाद हाइड योर पिन्स फ्रॉम प्रोफाइल, और ये तो डिलीट करने और क्लोज करने के लिए है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब आपको क्लेम पर जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्लेम वाला ऑप्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको ध्यान से करना है। इसमें मैं ये बता देता हूँ, तो क्लेम पे आपको क्लिक करना है। क्लेम पे आप इतने सारे जो ऑप्शन है उसको क्लेम कर सकते हो। तो आपको वेबसाइट क्लेम करना है, अगर आपको और कोई प्रोफाइल यूट्यूब या इंस्टाग्राम क्लेम करना है तो आप कर सकते हो। फिलहाल वेबसाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ, बाकी सब में सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो वेबसाइट पे जब आप आओगे, क्लिक करोगे क्लेम पर, तो आपके पास ये पॉपअप विंडो आएगा, और इस पॉपअप विंडो में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। इस तीन ऑप्शन में एक है ऐड HTML टैग, ठीक, उसके बाद दूसरा है अपलोड HTML फाइल, और तीसरा है ऐड TXT रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है जिससे कि आपको अपने वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझना, ठीक है, कैसे करना है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अगर ब्लॉगर पे हो या फिर वर्डप्रेस पे हो, दोनों केस में आपको ऐड HTML टैग ही करना है, क्योंकि ये सबसे जो सिंपल जो प्रोसेस है वो यही है। बाकी ये दोनों प्रोसेस जो है वो काफ़ी टफ पड़ेगा, इसीलिए आपको क्या है ऐड HTML टैग से आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये इसको आपको क्लिक टू कॉपी कर लेना है, ये कॉपी हो जाएगा ये पूरा कोड। अब आपको अपने ब्लॉगर में जाना है, आपको अपने ब्लॉगर में जाना है, थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने थीम को एडिट करना है, तो यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक कर लेना है। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो कोड आपने कॉपी किया था उसको आपको ये हेड टैग है इसके जस्ट नीचे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट कर देना है, और फिर इसको सेव कर देना है। ठीक, तो आप यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दोगे, सेव कर दोगे, उसके बाद ये ब्लॉगर का हो जाएगा। और फिर अगर आपको वर्डप्रेस में करना हो तो आप कैसे करोगे, तो वर्डप्रेस पे आपको वेरीफाई करवाने के लिए आपको सबसे पहले आपको प्लगइन्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन आपको करना है। उसमें आपको एक प्लगइन आता है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ओके, आपको वो प्लगइन डाउनलोड करना है। तो आप जैसे कि इंसर्ट हेडर एंड फुटर यहाँ पे लिख के सर्च कर लोगे, या फिर ऐड न्यू पे आप जाओगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऐड न्यू पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन कर लेना है, तो उसमें आपको इंसर्ट हेडर एंड फुटर करके आएगा एक प्लगइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्लगइन जो है आपका इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, तो ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और ये एक्टिव भी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें आपको कैसे यूज़ करना है इसको। तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्लगइन को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट हेडर एंड फुटर आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट इन हेडर एंड स्क्रिप्ट इन बॉडी, ठीक है, तो ये जो, और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट इन फुटर, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अब आपको अगर
कोई भी कोड जो है वो हेडर में अगर पेस्ट करने के लिए कोई बोलेगा तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, बॉडी में पेस्ट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और फुटर में यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, कोई भी कोड ऊपर नीचे पेस्ट करो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कोड को पेस्ट करना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप आओगे तो ये यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो ऊपर पेस्ट कर दो जहाँ भी आपको थोड़ा सा ये करके, यहाँ पे आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है कोड। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपको अपने वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट URL जो है डाल देना है, और फिर यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो अब मैं एक्चुअली मेरा जो वेबसाइट्स है वो वेरीफाइड है, तो मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के बाद आपको क्या करना है कि आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा कि आपका 24 आवर्स के अंदर आपका पूरा वेरीफाई हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है, तो अब आपका वेबसाइट क्लेम हो जाएगा और वो वेबसाइट जो है आपके प्रोफाइल में शो करने लगेगा। तो ये कैसे करेगा मैं अब आपको अपने ओरिजिनल अकाउंट पे जाकर के दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आ गए, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। इस ओरिजिनल अकाउंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो है वो शो कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वेबसाइट शो कर रहा है। जो भी इस वेबसाइट पे क्लिक करेगा वो मेरे मेन वेबसाइट पे जाकर के ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये, और यहाँ पे वेबसाइट से आपको क्या होगा कि एक बैकलिंक भी आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वेबसाइट आपका वेरीफाई होगा वो किस तरह से शो करेगा। अब जैसे मेरा ये क्लेम पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो क्लेम पे यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो है ये देखिए, ये वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी एडेड एड है। ठीक है, तो ये क्लेम्ड है, ऑलरेडी क्लेम्ड है। अगर मैं अकाउंट सेटिंग पे यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट URL के सामने जो है ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब मेरा वेबसाइट जो है वो वेरीफाइड है। तो आप भी जब वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट भी इसी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपका पूरा जो प्रोफाइल है वो तैयार हो गया है। अब सिर्फ आपको बोर्ड्स बनाने हैं, पिंस क्रिएट करने हैं, उसका SEO करना है और अपलोड करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अब आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। इस वीडियो में प्रोफाइल क्रिएट करने तक का ही था, अब इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जो है उसको पार्ट वाइज करके बताऊंगा। ये episode 1 है, episode 2 में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें कि आपको बोर्ड बनाना, ठीक है, बोर्ड का SEO करना, कीवर्ड रिसर्च करना, ये सब इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो आप देख चुके हो पूरा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा क्रिएट हो, यहाँ पे ये सारा जो है वो हो गया। बाकी आप यहाँ प्राइवेसी और डेटा में आप अपने हिसाब से अगर कुछ भी आप छिपाना या शो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओनली पीपल यू फॉलो टर्न ऑफ हुआ, ये सब आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप चेक कर लेना, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे कि आप बल्क में अगर आप ढेर सारा पिंस क्रिएट कर दिए और आपको अपलोड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप पूरा का पूरा उसका CSV फाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरह से है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, और इन सारे ऑप्शन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब जो है वो मेन प्रोफाइल से होगा, तो वहाँ पर वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बाकी इसमें जो इतना मैंने बता दिया वो काफ़ी है, आपका जो पिंटरेस्ट का बिजनेस प्रोफाइल है उसके लिए इतना काफ़ी है, इतना ही सेटिंग आपको करना है। सिर्फ आपको अपने वेबसाइट को क्लेम करना है और आपको अपना जो प्रोफाइल है उसमें आपको कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन ये बस आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप कर लोगे आपका हो जाएगा पूरा काम इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, बोर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसमें पिंस कैसे अपलोड करते हैं, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ये मैंने फ्री कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, तो इसको आप हो सके जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पे आप शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।